आखिरी सवाल है, क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3 में आप जैसे कि देख सकते हैं कि इसमें जो सवाल दिया था उसने फाइंड द पैरामीटर ऑफ द ट्राइंगल, यहां पर ट्राइंगल कर रहा था बीच में, ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय द पॉइंट्स ए कॉमा जीरो कॉमा जीरो, बी 4.0 एंड सी 2.23। ये 3 पॉइंट होगा उसने आपको ए बी सी, और इस 3 पॉइंट से ट्राइंगल फॉर्म हुआ उसका पैरामीटर निकालना है। तो अगर हम पैरामीटर को समझ लेते हैं उसका सवाल करने में आसान सी बात रहेगी। ट्राइंगल के 3 पॉइंट होते हैं बहुत है, उसने एक पॉइंट में दिया था ए 0.0, ये इसने यहां पर दिया हूं मैं ट्राइंगल बना रहा हूं 0.0। दूसरा पॉइंट से दिया हुआ है बी 4.0, यानी कि इसके ऊपर यहां पर कहीं होगा ये बी 4.0 इस जगह पे कहीं होगा, और उसके बाद हमारे पास जो है वो सी आया हुआ है 2.23, ये यहां कहीं इस जगह पे कहीं होगा, किसी जगह पे यहां पे याद हो चेक करके होगा, इस जगह पे हो सकता हो जो रहेगा 2C 2.23, और ये एक ट्राइंगल बनना है ए बी और सी करके, एस करके एक ट्राइंगल आपके सामने बन रहा है। ठीक है, अब आपका लिखा है आपने क्या निकालना है इसका पैरामीटर 3.3 से पैरामीटर निकालना है। पैरामीटर क्या होता है, पैरामीटर जो है किसी भी ज्योमेट्रिकल शेप में पैरामीटर उसका अहाता होता है, उसके जो साइज है उन साइज का सम, उन साइज से डिस्टेंस का सम, उन साइज से लेंथ का सम। देखिए यहां पर एक साइड है ए से लेकर बी तक की, दूसरी साइड है ए से लेकर सी तक की, और किसी साइड है बी से लेकर सी तक की, एक ही साइड है ना। तो जो डिस्टेंस है ना ए और बी का, डिस्टेंस ए और बी का डिस्टेंस प्लस बी और सी का डिस्टेंस प्लस ए और सी का डिस्टेंस, इन तीनों डिस्टेंस को मैं ऐड कर लूंगा तो मेरे पास पैरामीटर आ जाएगा इस ट्राइंगल का। ये है फॉर्मूला पैरामीटर निकालने के लिए कि मैं ए बी बी सी और ए सी का डिस्टेंस निकाल के उन तीनों को ऐड करूंगा तो मेरे पास पैरामीटर आ जाएगा। यानी कि मानना क्या है, हमें डिस्टेंस निकालना पड़ेगा, तीन डिस्टेंस हमें कैलकुलेट करने पड़ेंगे, तीनों डिस्टेंस कैलकुलेट करके हम ए बी बी सी और ए सी कैलकुलेट करते हैं निकाल लेंगे और हमारे पास उस टाइम पैरामीटर आ जाएगा इसका। ये क्वेश्चन है, डायरेक्ट डिस्टेंस फॉर्मूला हम इस्तेमाल करते रहे, इससे पहले भी हमने पिछली 2 वीडियोस के अंदर दो सवाल के थे उसमें डिस्टेंस फॉर्मूला का इस्तेमाल था, वीडियो एक्सरसाइज 16.1 में हमने डिस्टेंस फॉर्मूला इस्तेमाल किया है। यहां पर हम डिस्टेंस फॉर्मूला इस्तेमाल करने के बाद पैरामीटर निकालने के लिए ट्राइंगल का हम इसको तीनों डिस्टेंस को ऐड कर देंगे। पहले हम डिस्टेंस निकाल लेते हैं, यहां से शुरू करते हैं सवाल को। देखिए सवाल इस तरह से हो रहा है, सबसे पहले इसमें हम सोल्यूशन लिखते हैं और पॉइंट्स लिखते हैं गिवन दैट ए 0.0, बी 4.0 एंड सी 2.23। अब सबसे पहले हम निकालिए ए बी का डिस्टेंस, ए बी का डिस्टेंस के लिए फॉर्मूला लगाए x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, और देखिए फॉर्मूला किस तरह से लगेगा कि ए बी के डिस्टेंस के लिए ए के पॉइंट्स x1 और y1 रहेंगे, ए के पॉइंट्स x1 और y1 रहेंगे और बी के पॉइंट x2 - y2 रहेंगे। तो ये बन जाएगा आपके पास देखिए किस तरह से 4 - 0 का होल स्क्वायर प्लस 0 - 0 का होल स्क्वायर, आसान से बात यह हो जाएगी कि ये ए बी जो है आपके पास बराबर आ जाएगा अंडर रूट 4 का स्क्वायर या अंडर रूट 16 या अंडर रूट ऐसे करते 4 का स्क्वायर और यूनिट से कैंसिल कर सकते 4 यूनिट्स, इसका आंसर आ गया इस तरह से आ गया 4 यूनिट्स करके आ गया। ये यहां पर आपने निकाल लिया, ये आपके पास ए 0.0 था, बी 4.0 था, आपने इसको कहा x1 y1, इसको कहा x2 y2, x2 - x1 4 - 0, y2 - 1 0.0, इसका स्क्वायर निकाला ये सब 0 आएगा, 4 - 0 0 का स्क्वायर, स्क्वायर रूट कैंसिल करके आपका ए भी आ गया 4 यूनिट्स के बराबर। बिल्कुल इसी तरह से आप इसका बीसी निकाल लें, बीसी निकाल लेते हैं। अब बीसी क्या है, जो आपके पास बी की वैल्यू है वो एक्स वन वाई वन होगी,
ये एक्स वन जाएगा वाई टू जाएगा, ये एक्स टू जाएगा वाई टू जाएगा। अब देखिए किस तरह से होगा, ये फॉर्मूला अगेन लिखते हैं एक दफा, एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन का होल स्क्वायर। अब यहां पर आपके पास एक्स टू है वो हो जाएगा टू और एक्स वन हो जाएगा आपके पास फोर, टू माइनस फोर का होल स्क्वायर प्लस आपके पास वाई टू हो जाएगा यहां पर टू अंडर रूट थ्री और वाई वन आपके पास हो जाएगा जीरो, तो टू अंडर रूट थ्री माइनस जीरो का होल स्क्वायर, ये आपके पास इसला हो गया ऐसे। और ये आपके पास बन गया उसके पास माइनस टू का स्क्वायर प्लस टू अंडर रूट थ्री का होल स्क्वायर और फिर ये आपके पास हो गया फोर प्लस फोर इंटू थ्री, दैट इज ये हो जाएगा फोर प्लस ट्वेल्व दैट इज अंडर रूट सिक्सटीन दैट इज फोर यूनिट्स। ये भी आपके सामने फोर यूनिट्स के बाहर आ गया। बीसी में इसको इस तरह से करो क्योंकि ये आंसर इसका है नहीं, आंसर इसका हम निकालेंगे बाद में। ये आपके पास फोर यूनिट्स और फोर यूनिट्स आ गया, ए भी आ गया और ये आपके सामने आ गया बीसी। ये मैं लिखता भूल गया यहां पर, ये बीसी का काम चल रहा है और यहां पर आपके पास बीसी आ गया फोर यूनिट अंदर फोर यूनिट्स और ए भी आपको फोर यूनिट्स। अगेन आप आपको निकाल लीजिएगा एसी, एसी निकालने के लिए अगेन फॉर्मूला लिखेंगे, यही फॉर्मूला है अंडर रूट एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन का होल स्क्वायर। और अब देखिए आपके लिए एक्स टू आपके पास यहां पर ए वाली वैल्यू जो है वो एक्स वन रहेंगी और सी वाली एक्स टू रहेगी, यानी कि यहां पर सी जो है वो एक्स टू रहेगा, टू एक्स टू रहेगा, टू अंडर रूट थ्री वाई टू रहेगा, ये एक्स वन और वाई वन दोनों जीरो रहेंगे, इसलिए ज्यादा मुश्किल काम नहीं होगा हमारे लिए। ये हो गया हमारे पास एक्स टू है मेरे पास टू माइनस जीरो का होल स्क्वायर प्लस वाई टू है मेरे पास टू अंडर रूट थ्री माइनस जीरो का होल स्क्वायर। और उसके बाद इसको पढ़ता हूं सॉल्व, तो जाएगा टू का स्क्वायर प्लस टू अंडर रूट थ्री का स्क्वायर। और इसको मैं फर्दर सॉल्व करूं, अगर यहां कर लेता हूं ए सी मेरे पास बराबर आ जाएगा फोर प्लस सिक्सटीन, मैं क्या दिखाया था मैं किस तरह से सिक्सटीन फोर इंटू थ्री और फिर ये फोर प्लस ट्वेल्व अंडर रूट सिक्सटीन और ये फोर यूनिट आ गया ए सी। ये आपने आ गया ए सी, ये मैंने निकाला यहां पर आपके सामने ए सी आ गया, ये ए सी मैंने आपके सामने निकाल दिया और ये आपके सामने मैंने बी सी निकाला फोर यूनिट्स और ए भी निकाला फोर यूनिट्स, तीनों इसके फोर यूनिट्स है। आप क्या होगा ना पैरामीटर ऑफ गिवन ट्रायंगल, जो गिवन ट्रायंगल उसका पैरामीटर बराबर होगा ए बी का डिस्टेंस प्लस बी सी का डिस्टेंस प्लस ए सी के डिस्टेंस के, दैट इज द पैरामीटर ऑफ गिवन ट्रायंगल विल बी इक्वल्स टू फोर प्लस फोर प्लस फोर दैट इज ट्वेल्व यूनिट्स। ये आपका आंसर आ गया ट्वेल्व यूनिट्स, जिसमें आपने तीनों के निकाले पहले फोर यूनिट फोर यूनिट फोर यूनिट इसके निकाले, उसके बाद आपने कहा ये दोबारा यहां पर लिख देता हूं मैं, ये आंसर आपके पास आ गया पैरामीटर ऑफ गिवन ट्रायंगल इज इक्वल टू फोर प्लस फोर प्लस फोर इक्वल टू ट्वेल्व यूनिट्स, ये आपके पास आंसर आ गया इसका फोर प्लस फोर प्लस फोर इक्वल टू ट्वेल्व यूनिट्स। ये हमने सवाल सॉल्व किया क्वेश्चन नंबर थ्री, इसमें उसने कहा था हमसे कि फाइंड द पैरामीटर ट्राइंगल का जो ये तीन पॉइंट फॉर्म करेंगे। हमने यहां पर आपको समझाने के लिए बताया कि इस तरह से ट्राइंगल फॉर्म होगा ये और पैरामीटर जो है इन तीनों साइडों का सम जो है वो पैरामीटर होगा, ट्राइंगल में तीनों साइडों का सम पैरामीटर होता है। फिर तीनों साइडों का हमने ये डिस्टेंस निकाल लिया, लेंथ निकाल ली, लेंथ निकालने के बाद हमने इसमें आपसे कहा कि जब ये जो तीनों यूनिट्स हैं तीनों को लेंथ है इनको तीनों को ऐड कर लीजिए तो आपके पास पैरामीटर आएगा, ये पैरामीटर आपको आएगा फोर प्लस फोर प्लस फोर प्लस टू ट्वेल्व यूनिट्स। ये आपके पास 16.1 का क्वेश्चन नंबर थ्री सॉल्व हुआ। क्वेश्चन नंबर थ्री के बाद 16.1 यहां पर एंड होती है, यहां पर 16.1 पूरी हुई। अगले सेशन में हम इसकी अगली एक्सरसाइज 16.2 शुरू करेंगे, उसमें कुछ कंसेप्ट है पहले वो कंसेप्ट ले लेंगे, उसके बाद उसके एक दो दो तीन तीन सवाल करने को शुरू करेंगे। 16.2 इंशाल्लाह अगले सेशन स्टार्ट करेंगे, यहां पर हमारी 16.1 खत्म होती है। ये आपके सामने क्वेश्चन नंबर थ्री इसका सॉल्व हुआ है।